वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज की वीडियो उन्होंने लिए आ जो पाठ पूजा नहीं करते, खास करके जो अमृत वेले नहीं उठ पाते। तो जेकर वह दोपहर वेले 5 मिनट इस शब्द का जाप कर लैन तो वाहेगुरु अकाल पुरख जी की बेअंत कृपा होती है, साढ़े सारे ही कार्य सारिया ही मनोकामनावां पूरिया हो सकती हैं। तो वह कि शब्द आ किंज जाप करना है वो आप सारी गल अज की वीडियो करनी है। इस करके पूरे वीडियो अंत तक ध्यान दे जरूर सुनना समझना। पर सब तो पहला कमेंट बॉक्स के जाके धन गुरु नानक देव जी जरूर लिख के आना। तो देखो जी, कई मनुख कह देंगे कि साडा पाठ कर बाणी पढ़न दिल बहुत करता है, पर असी कई कारण करके पाठ नहीं कर पाते, अमृत वेले नहीं उठ पाते। कई कमां कारां दे रुझेवे बहुत होंगे ने, कई शरीरक दुख रोग लग्या होंदा है, कई घट पढ़े लिखे होने करके बाणी पढ़ ही नहीं पाते। तो जो भी पिछे का कारण हो, जिस कारण करके वह बाणी नहीं पढ़ पाते, पांच बाणियों का नितनेम नहीं कर पाते, तो जेकर दोपहर का वेला भी संभाल लेंगे तो भी वाहेगुरु अकाल पुरख जी की बेअंत कृपा होती है। तो जो लोग भी कहते हैं कि साजन की कोई खास इच्छा है, अरदास है, जो असी बाणी पढ़ के गुरु साहब जी के अगे रखना चाहते हैं, अरदास बेनती करना चाहते हैं, तो जेकर तो वह दोपहर वेले के 5, 10, 15 जिन्ना क समा वो कढ़ सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जिन्ना समा भी आप उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी को याद करना है, बाणी पढ़नी है, वह समा सिर्फ गुरु नानक पातशाह का हो, बाकी उस वेले साढ़े मन में कोई भी इधर उधर की गल नहीं चलनी चाहिए, कोई भी फुरना नहीं आना चाहिए। साडा मन गुरु चरणों के नाल जुड़िया होना चाहिए है। वो हुण समा तुसीं आप देख लेना है कि तुसीं 5 मिनट कढ़ सकते हो, 15 मिनट कढ़ सकते हो, अद्धा घंटा जां फिर घंटा, भाव कि जिन्ना क समा तुसीं पूरा मन ला के कढ़ सकते हो उन्ना ही भरोसे दे नाल बाणी पढ़नी है। चाहे तुसीं उस समय दे विच चौपाई साहब जी का पाठ कर लो, मूल मंत्र जी का जाप कर लो, जपजी साहब जी की बाणी पढ़ लो, चाहे सुखमणी साहब जी का पाठ कर लो, भाव कि उस समा तुसीं खुद ही सैट करना है, पर वो समा सिर्फ गुरु नानक पातशाह जी का होना चाहिए है, उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी का होना चाहिए है, जिस दे विच कोई भी फुरना कोई भी चिंता फिक्र नहीं करना, सिर्फ मालिक का नाम जपना है। जेकर किसी भी बाणी का पाठ नहीं कर सकते तो वाहेगुरु जी का जाप कर लो या मूल मंत्र जी का जाप कर लो। तो इस तरह भरोसे दे नाल, प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल, एक मन एक चित होके कटे हुए 5 मिनट साढ़े सारे ही कार्य सवार देंगे, मन दिया सारिया इच्छावां पूरिया कर देंगे। क्योंकि जी ना तो गिनतियां मिनतियां देखते हैं, ना ही समा देखते हैं, ना ही साड़िया महंगिया वस्तुआं देखते हैं, वो तो सिर्फ साढ़े अंदर का प्रेम प्यार भरोसा देखते हैं। तो भरोसे दे नाल कटे हुए 5 मिनट साडा बेड़ा पार कर सकते हैं, साढ़े मन दिया इच्छावां पूरिया कर सकते हैं। तो बस तुसी अपने समय के हिसाब से समा कढ़ लेना है, जो बाणी जो पाठ तुहानू सरल लगता हो, पढ़ के आनंद आता हो, वही बाणी पढ़ लेनी है, तो गुरु साहब जी जरूर कृपा करनगे। पूरे दिन के 5 मिनट तो सानू घट्टो घट्ट कढ़ने चाहिए है ना, उस मालिक की सिफत सलाह मालिक का शुकराना करना ही चाहिए है।